नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हुए हैं हमारे तलोजा ट्रेनिंग सेंटर में। ये हमारा तलोजा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ अलग अलग तरीके का मशीन का ट्रेनिंग हो रहा है। पीछे रिश ट्रक खड़ा हुआ है, ये बैटरी फॉर्कलिफ्ट है और उस तरफ डीजल फॉर्कलिफ्ट भी हमारे यहाँ चल रही है। तो आज हमारे साथ हमारे एक पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? संदीप पाठी। संदीप, संदीप आप यहाँ कब, आपने यहाँ पर ट्रेनिंग किया था, कितने महीने हो गए ट्रेनिंग कंप्लीट करके? सर मुझे 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए। हाँ, और आप कहाँ से रहने वाले कहाँ है, आपका नेटिव प्लेस क्या है? सर मेरा रहने वाला नागपुर। नागपुर से आप आए हैं? हाँ। तो नागपुर में आपने पहले 11 महीने पहले आके यहाँ ट्रेनिंग लिया था? हाँ सर। तो कौन सी मशीन का ट्रेनिंग आपने लिया था यहाँ पर? रिस्ट्रक का। तो जो हमारे पीछे जो लाल कलर की मशीन पीछे दिखाई दे रही है, इन्होंने रिस्ट्रक का ट्रेनिंग किया था। तो यहाँ ट्रेनिंग करके आपको तकरीबन 11 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, तो कैसा ट्रेनिंग आपको यहाँ मिला था और ये ट्रेनिंग करने के बाद आपका जॉब लगा या नहीं लगा? ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा मिला था और जॉब भी लग गई एक महीने के बाद। अब पहले कौन सी कंपनी में, एक महीने में ही आपका लाइसेंस बनने के बाद जॉब लग गया? हाँ, लग गया। तो कौन सी कंपनी में आपको पहला जॉब लगा? फ्लिपकार्ट कंपनी। फ्लिपकार्ट में। तो पहले जॉब में आपको कितनी सैलरी मिली? 20,000 इन हैंड और तो अभी उसके बाद आपने स्विच कर लिया। अभी कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं? रिलायंस में। हाँ, रिलायंस के नागपुर में ही? हाँ, नागपुर में। तो कैसा स्कोप है आपका, तो जॉब दो बार लग गया एक साल में 11 महीने में। हाँ, तो कैसा स्कोप है आपके हिसाब से इस लाइन में? स्कोप सर एकदम बढ़िया है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया, बेस्ट स्कोप है। तो इजीली जॉब मिल जाता है? हाँ, इजीली मिल जाता है। तो आपको जॉब के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी? नहीं, 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 कोई। तो अभी आज आपका आने का पर्पस क्या था, यहाँ पे क्यों आए हुए हैं आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में एक बार दोबारा? मेरे छोटे भाई को लेके। अच्छा, आपका जॉब लग गया इसलिए आप भी सेटिस्फाइड हैं, इसलिए अपने छोटे भाई को लेके आए हैं। तो आपके छोटे भाई क्या नाम है बेटा आपका? आकाश। थोड़ा जोर से बोलेंगे। आकाश पाटिल हमारे साथ हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। ये आपके सगे भाई हैं? हाँ सर, सगे भाई हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए आकाश। तो ये इनके सगे भाई हैं आकाश पाटिल, इनको ट्रेनिंग के लिए लेके आए हैं। तो इनको कौन सा ट्रेनिंग आप करवाना चाहते हैं? रिस्ट्रक का। और इसके अलावा कोई और मशीन आप सिखवाना चाहते हैं? एफएल मास्टर भी है। एफएल मास्टर और रिस्ट्रक। तो आपको इसके लिए भिवंडी ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा। ओके सर। ओके, कोई बात नहीं। तो ये एफएल और रिस्ट्रक के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो आप सेटिस्फाइड है यहाँ की ट्रेनिंग से? अपनी ट्रेनिंग से तो आप सेटिस्फाइड थे। हाँ, तो इसलिए आप इनको यहाँ लाए। तो कैसा आप फील कर रहे हैं ये ट्रेनिंग करने के बाद, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? पहले आप इससे पहले भी कभी जॉब करते थे? ये जो आपने रिस्ट्रक का ट्रेनिंग किया है, इससे पहले कभी कोई जॉब किया आपने या ये आपका फर्स्ट जॉब था? नहीं सर, ऐसे ही जॉब था, मतलब मैं फाइनेंस में था, लेकिन ये वाला जॉब लेके के मतलब एकदम कम्फर्टेबल हूँ। इसमें क्या क्या इस जॉब में आपको बेनिफिट लगे? बेनिफिट मतलब अपना जो पीएफ है, ईएसआई है, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है, और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, वो सब आपको मिल रही है अभी, जबकि प्राइवेट जॉब में वो नहीं मिल रही है आपको। ये कंपनी के अंदर जॉब है कि आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो आप क्यों, आप अपने भाई को लेके आए हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं जो आपके नागपुर से हैं और जो ये वीडियो मेरा देखते हैं। हाँ, तो आपको, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्किल्ड होने का क्या बेनिफिट आपको होता है एक्चुअल में? कोई मराठी में संदेश देना चाहेंगे? हाँ, माझ्या नागपूर मित्रांनो, इथे मुंबईला या आणि रेस ट्रक ऑपरेटर तुम्ही ट्रेनिंग घ्या, एकदम बेस्ट है, कमी याच्यात आणि पेमेंट पण सैलरी चांगली मिळतात। तो ये लाइन में कैसा स्कोप है आप बताना चाहेंगे उन्हें कि जॉब इजीली लग जाता है या नहीं लगता? हाँ, इजीली मिल जाता है। 15 दिन का ट्रेनिंग है सिर्फ, 15 दिन का ट्रेनिंग है बस, और एक महीने के बाद आपको मतलब जॉब मिल ही जाता है 100%, 21,000 तक मिल जाता है। वेरी गुड। चलिए, आप इतनी दूर से अपने भाई को लेके आए, मैं आपका अपना तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और आप अच्छे से तरक्की करें और अच्छे से भविष्य बनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।